गोल्डन कलर है पीछे का एंड इनका जब भी हम डीमार्ट जाते हैं ना लेने कुछ जाते हैं और बहुत लंबा चौड़ा बिल बन जाता है बिकॉज छोटी छोटी चीज करके कितना बिल हो जाता है पता ही नहीं लगता है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अनदर डीमार्ट हॉल विद यू ऑल। रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंटली बट हाँ, काफी टाइम पहले मैं डीमार्ट गई थी दोबारा एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ। आई गॉट सम हेयर एक्सेसरीज, परफ्यूम्स, होम एसेंशियल्स, कुकवेयर, किचन आइटम्स, बहुत कुछ लेके आई मैं एंड या आई थॉट ऑफ शेयरिंग अ हॉल विद यू ऑल। आई होप आपको ये पसंद आएगा। इफ सो देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड या विद दैट लेट्स जस्ट डाइव इन। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद हेयर एक्सेसरीज फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट हेयर एक्सेसरी दैट आई गॉट। दीज आर वेरी वेरी क्यूट पिंक कलर के ही रबर बैंड्स हैं। दीज आर हेयर टाइज पिंक कलर के। इसके ऊपर ऐसे एक टेडी सा बना हुआ है पर्ल्स का एंड राइनस्टोन्स का। मैं इसका ना क्लोजअप इंसर्ट कर दूंगी। दिस वॉज फॉर 39 रुपीज। मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। आई गॉट दिस फॉर माई नीस एंड अभी तक मैंने उसे दिए नहीं है बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो एंड या आई नो शी इज गोना लव दिस। इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। वहां पे बहुत सारे टाइप के हेयर एक्सेसरीज थे, बच्चों के लिए तो बहुत सारे थे, हेयर बैंड, रबर बैंड, ऐसे और भी थे, क्लचर्स भी थे, छोटे बड़े, अ लॉट ऑफ हेयर एक्सेसरी। पहले मैं उस सेक्शन में नहीं गई थी, आई थिंक पिछली बार नहीं गई थी मैं उस सेक्शन में क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लाई थी हेयर एक्सेसरीज में एंड व्हेन आई वेंट देयर आई वेंट क्रेजी। बट मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिया बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई दीज। द सेकेंड एक्सेसरी दैट आई गॉट आर दीज हेयर क्लिप्स। ये हैं 80 रुपीज के अ सेट ऑफ टू। ये ना बहुत ही ऐसे जब मैंने देखा था ये मुझे लगा था कि 80 रुपीज के महंगे हैं बट दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी यू गाइज। बिल्कुल भी चीप नहीं लगते हैं, हाथ में पकड़ के भी लगता है कि बहुत सुंदर क्वालिटी है एंड मैंने ये लिए हैं जैसे मेकअप करते टाइम मैं दोनों को इस तरह से लगा सकती हूँ दोनों साइड ताकि मेरे बाल पीछे रहें एंड वीडियोज में भी दिस लुक वेरी फैंसी श्मैंसी एंड या दीज लुक रियली नाइस। दीज लुक रियली नाइस एंड इनकी क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है। इसमें बहुत ज्यादा हेयर ऐसे क्लम्प नहीं होते तो खिंचते नहीं है जब आप इसको उतारो, नहीं तो कई पिंस होती है उसमें बाल ऐसे फंस जाते हैं। दीज लुक ऑल्सो वेरी नाइस, लगा के बैठूंगे अपने। नेक्स्ट अप आई गॉट अ परफ्यूम्स। मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ गॉट परफ्यूम्स। आई गॉट दिस इंगेज का परफ्यूम स्प्रे। एक चीज थी वहां पे ना डीमार्ट में, जब आप परफ्यूम्स लेते हो वहां पे टेस्टर्स नहीं रखे हैं तो आपको बस गेस करके लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा पसंद आएगा। टेस्टर्स नहीं है और खोलना अलाउड नहीं है, मतलब इनके ना ये जो ढक्कन होता है इसका, इसके ऊपर ऐसे उन्होंने टेप लगा रखी होती है ताकि आप इसको खोलो ना और स्प्रे ना कर पाओ, क्योंकि आधा प्रोडक्ट तो लोग ऐसे ही खत्म कर देते हैं। बट टेस्टर्स भी नहीं है, टेस्टर्स तो रखने चाहिए। बट आई गॉट दीज इंगेज का परफ्यूम स्प्रे इन द वेरियंट W3। मैंने इसके बारे में पहले भी काफी सुना था एंड आई थिंक दिस रिटेल्स फॉर 230 रुपीज बट मुझे ये वहां से 140 रुपीज का मिला एंड यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट एंड या इट्स अ रियली नाइस फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंसेस डिस्क्राइब करना मुझे नहीं आता है सो मैं उस रास्ते जाऊंगी भी नहीं। इट इज काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ऐसे ना पार्टी सेंट टाइप है ये, मुझे काफी अच्छी लगी है। दिस इज लाइक वेरी गुड फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको चाहिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। माय हस्बैंड आल्सो गॉट अ परफ्यूम, दिस इज बाय पार्क एवेन्यूज, दिस इज अ कॉन्कर EDP एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹449 एंड आई थिंक ये 300-350 का मिला था। इसको मैं स्मेल नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि बहुत स्ट्रांगली हिट करता है ये, एकदम से आप स्मेल करो ना और मुझे हेडेक होने लगता है तो इसलिए मैं इसको अभी स्मेल नहीं करूंगी। बट जब वो इसको अप्लाई करते हैं एंड देन व्हेन आई स्मेल इट, इट्स रियली गुड, इट्स अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब करना मुझे नहीं आता है बट ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। दिस इज एन इवनिंग काइंड ऑफ अ सेंट, लाइक एन इवनिंग पार्टी सॉर्ट ऑफ अ सेंट विच इज लाइक रियली गुड। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मेंस परफ्यूम आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दिस वन, इट्स रियली गुड। बट इफ यू आर समवन जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग फ्रेग्रेंसेस से हेडेक होता है देन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस वन एज आई एम स्टेइंग अवे। नेक्स्ट अप आई गॉट टू कुशन कवर्स। दीज आर द कुशन कवर्स दैट आई गॉट। ये कवर्स ही लिए मैंने, कुशन मेरे पास घर पे थे जिसके ऊपर मैंने इनको चढ़ा रखा है तो इसलिए मैंने उतारे नहीं अभी। सो दिस इज
हाउ द पैटर्न ऑफ द कुशन कवर लुक्स लाइक, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं ये। मैं कई बार इसको यू नो प्रोडक्ट शॉट लेने के लिए बैकग्राउंड में भी यूज कर लेती हूँ। ऐसे मैं दो लेके आई हूँ सेम कलर के, एंड या दीज आर वेरी वेरी नाइस। मैंने इसको अपने बेड पे रखा हुआ है इन दोनों कुशन्स को, एंड दीज वर फॉर 99 ईच। फॉर 99 ईच आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी। मटीरियल काफी अच्छा है, पीछे से कुछ ऐसा है और इसके ऊपर ये जिपर भी लगा हुआ है। सो ऑल इन ऑल द क्वालिटी इज रियली नाइस। एंड ये मैं शायद पहली बार गई थी तब लेके आई थी और मैं दिखाना भूल गई थी। इसमें काफी कलर्स थे, वेरियंट्स भी थे अलग अलग, मतलब अगर आपको ऐसा पैटर्न नहीं चाहिए तो उनके पास अलग अलग पैटर्न्स भी थे। सो यार दिस इज अ वेरी गुड परचेज। इस बार मैं दोबारा जाऊंगी तो मैं दोबारा जरूर लेके आऊंगी बिकॉज आई रियली लाइक दिस क्वालिटी। नेक्स्ट थिंग आई गॉट आर डोर मैट्स। मैंने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं अपने घर में, सो इसलिए मैंने उनका क्लोजअप पहले ही ले लिया था जब मैंने उनको यूज नहीं किया था। दो डोरमैट्स हैं, एक डी शेप का डोरमैट है जो कि मैं अपने वॉशरूम के दरवाजे के आगे रखने के लिए लेके आई हूँ। इट्स अ वेरी गुड मटीरियल। इसके नीचे ना एंटी स्किड मैट भी लगा हुआ है ताकि ये फिसले ना, इसके ऊपर आपका पैर ना फिसले या फिर एक ही जगह पे रहे ये, मतलब ऐसे स्किड ना हो। एंड इसके ऊपर का जो फर है वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी एंड आई थिंक दिस वॉज फॉर अराउंड 129 रुपीज। आई डोंट नो, मैंने क्लिप जब ली थी उसमें मैंने प्राइस दिखाया था, सो मैं वो क्लिप इंसर्ट कर दूंगी, बट इट वॉज ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। उसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, वहां पे और भी बहुत सारे टाइप्स के डोरमैट्स अवेलेबल थे, बट मुझे डी शेप का काफी अच्छा लगा। यू नो डोर के आगे रखा हो बहुत सुंदर लगता है। एंड अभी तो उसकी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि बहुत गंदा है, वॉश करने वाला हो रखा है, बट इट इज अ रियली नाइस कलर। ब्लू सा कलर है इसमें और भी, एज आई सेड काफी सारे कलर्स थे। सेकेंड डोरमैट जो मैं लेके आई हूँ वो रेक्टेंगल शेप में है, वो थोड़ा सा बड़ा है यूजुअल डोरमैट से। वो मैं अपने किचन के लिए लेके आई हूँ, किचन में बिछाने के लिए। दैट इज अगेन ब्लू इन कलर क्योंकि हमारी वॉल्स एज यू कैन सी ये ब्लू है, तो इसलिए मैं ब्लू कलर के लेके आई ताकि थीम के साथ थोड़े से मैच हो। एंड काफी अच्छी क्वालिटी है। जो बड़े वाला है रेक्टेंगल वाला उसमें एंटी स्किड मैट नहीं है, वो सिंपल एक डोरमैट या मैट बोल लो वैसा ही है। उसके ऊपर का फर भी सॉफ्ट है। वहां पे और भी बहुत सारे डोरमैट्स थे, इससे थोड़े महंगे भी थे, थोड़े सस्ते भी थे, प्लास्टिक के भी थे, फैब्रिक वाले भी थे, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के भी थे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी टू चूज फ्रॉम, विच आई रियली लाइक अबाउट डी मार्ट, एंड ऑल्सो प्राइसेस भी काफी अफोर्डेबल है। नेक्स्ट वी गॉट आर सम ग्लास कंटेनर्स। पिछली बार भी मैं ग्लास कंटेनर्स लेके आई थी, मैं इस बार भी लेके आई हूँ। दीज आर द ग्लास कंटेनर्स दैट आई गॉट। ये स्टिकर्स लगे नहीं हुए थे, ये मैंने खुद लगाए हैं। इस पे सॉल्ट लिखा है, इस पे जैगरी पाउडर लिखा है। मैं इसको यूज कर रही हूँ अपने किचन में ऑलरेडी। जब ये नए नए थे तो मैंने इनका एक क्लोजअप लिया है इंसर्ट करने के लिए वीडियो में, वो मैं इंसर्ट कर दूंगी यहाँ पे। आई थिंक दीज टू वर फॉर 99 रुपीज, मतलब दो का सेट था 99 रुपीज का, विच इज अ रियली गुड थिंग। एंड ये काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, मैं काफी टाइम से इनको यूज कर रही हूँ, एंड जब से लाई हूँ तब से यूज कर रही हूँ। इट्स बिन ऑलमोस्ट अ मंथ आई गेस मैं इनको यूज कर रही हूँ, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। साइज काफी परफेक्ट है, 99 रुपीज में आपको दो मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट आई गॉट सम कुकवेयर। नाउ वो मैं यहाँ पे लेके नहीं बैठी हूँ, क्यों उसका भी मैं रीजन बता देती हूँ। क्योंकि मैंने सुबह ही वॉश की वो सारी चीजें जो मैं डीमार्ट से लेके आई थी वीडियो में दिखाने के लिए, बट वो मेरे घर में इतनी रेगुलरली यूज होती है कि अभी मैंने लंच बनाया था उसमें भी मैंने उन्हीं का यूज किया, तो इसलिए आई थॉट कि मैं उनका क्लोजअप ले लूंगी। चलो द फर्स्ट थिंग आई गॉट इज अ कैसरोल। वो काफी अच्छा एक ट्राईप्लाई कैसरोल है, स्टील का कैसरोल है और काफी मोटा है, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी है उसकी। आई थिंक इट वॉज 1.9 लीटर्स और 1.2 लीटर समथिंग इन बिटवीन। मैं स्क्रीन पे सब कुछ मेंशन कर दूंगी, उसका डायमीटर कितना है, उसका वेट कितना है, उसका ब्रांड नेम क्या है, एंड उसका यू नो कैपेसिटी कितनी है, मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर। मैं उसको डेली यूज कर रही हूँ एक महीने से, बट आई डोंट रिमेम्बर दीज थिंग्स यू नो। द क्वालिटी, इट्स क्वालिटी इज टॉप नॉच। मैं एक महीने से यूज कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हम मोस्टली उसको मिल्क बॉइल करने के लिए यूज करते हैं, गैस पे यूज करते हैं, इंडक्शन पे भी आई हैव यूज्ड इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है उसमें। एंड उसमें बहुत ज्यादा ऐसे बर्न स्टेन्स भी नहीं आए हैं। आप क्लीन करोगे अच्छे से क्लीन हो जाता है। स्टील के बर्तनों में कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। उसके हैंडल्स नहीं है, वी वॉन्टेड अ कैसरोल विद हैंडल्स, बट उसमें हमें हैंडल्स वाला मिला नहीं, बट जो भी है ये बहुत अच्छा था। इट वॉज आई थिंक फॉर अराउंड 550 or 600, बट इट वॉज वर्थ इट। इसके साथ कोई भी लिड नहीं आई थी, लिड
अभी तक हमने ली भी नहीं है, बट या आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी लाइक इट्स अ वेरी वेरी गुड आइटम दैट आई परचेज. इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू माई कुकवेयर कलेक्शन. नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज अ सेट ऑफ कढ़ाई एंड सॉस पैन विद अ लिड. सो इट इज अ थ्री पीस सेट. इसमें एक कढ़ाई है, एक सॉस पैन है और एक लिड है. आई थिंक द डायमीटर इज 22 or 24 centimeter. आई एम नॉट श्योर अगेन, क्योंकि उस टाइम हमने डायमीटर्स चेक किए थे डेफिनेटली, बट मैं भूल गई हूँ कि कितना डायमीटर था. 22 या 24 था, आई थिंक 22 था. मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, जो ब्रांड का नेम है वो भी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. बट द कढ़ाई एंड द सॉस पैन हैज रियली गुड क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है. उस कढ़ाई में रोज मेरे घर में 2 times सब्जी बनती है, कई बार ब्रेकफास्ट बनाने में भी यूज होती है. इट्स ऑफ रियली रियली गुड क्वालिटी. सॉस पैन भी मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं यूज किया है, बट हाँ काफी यूज किया है. उसमें मैंने बहुत बार टिक्कियां बनाई हैं और थोड़ा बहुत फ्राइंग का काम मैं उसमें कर लेती हूँ. जैसे अगर मुझे यू नो फ्लैट बॉटम वाला कुछ चाहिए फ्राइंग के लिए, तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ. इट्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. लिड भी इनकी काफी अच्छी क्वालिटी की है. बस एक ही चीज है कि इसके जो हैंडल्स हैं कढ़ाई के भी, पैन के भी और लिड का भी, वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं. यू नो जब आप ज्यादा टाइम के लिए कुछ कुक करते हैं, जैसे 5-6 minutes, 10 minutes के लिए कुछ कुक किया, तो हैंडल्स गर्म हो जाते हैं डेफिनेटली. मेरे पास ऐसी भी कढ़ाई है, ऐसी भी यू नो लिड्स हैं जिनके हैंडल्स गर्म नहीं होते हैं, बट इसके हो जाते हैं. बट आई गॉट ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स में मैं लिड भी इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि उसके डब्बे पे यही लिखा था थ्री पीस सेट. तो थ्री पीस सेट में एक कढ़ाई, एक सॉस पैन, एक लिड. सो दीज थ्री वर फॉर ₹1500. आई थिंक इट इज कम्प्लीटली वर्थ इट, बिकॉज ट्राई प्लाई कढ़ाई है एंड 3-4 जनों का खाना बनाने के लिए काफी सफिशियंट साइज है. सो इट्स अ रियली रियली गुड डील एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो रियली नाइस. आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ मंथ नाउ एंड मैं उसे डेली यूज कर रही हूँ, रेगुलरली यूज कर रही हूँ. आई हैव यूज्ड इट ऑन इंडक्शन, आई हैव यूज्ड इट ऑन गैस स्टोव एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, रियली गुड. And yeah, thumbs up from my side. Next up, I got some छुटपुट चीजें, जैसे कि ये earbuds का एक pack. This was for MRP is ₹50, but ये ₹25 का मिला था, क्योंकि ये buy one get one free था. तो DMart में एक ये चीज अच्छी है कि अगर buy one get one free हो, आप एक लोगे तो half price लग जाता है. तो हमने एक लिया था, तो ये 25 का पड़ा. This has 100 sticks in it, and ये paper soap का हमने pack लिया था. ये वैसे भी ₹38 का है, बट मुझे लगता है ये बाय वन गेट वन फ्री था ये भी है, इसमें कुछ तो डिस्काउंट था. एंड इसमें ऐसे वाले 10 पैक्स आते हैं, जिसमें एक में 10 सोप शीट्स होती हैं. मतलब यू आर ऑल फेमिलियर विद कि क्या है ये, यू नो सोप शीट्स. आप ऐसे टियर करोगे और पानी के नीचे रखोगे, देन यू कैन वॉश योर हैंड्स. और लेदर करता है बहुत अच्छे से ये. दिस इज वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग, बिकॉज आई एम समवन हु समटाइम्स I just don't get satisfied with sanitizer, so मुझे हाथ धोने ही पड़ते हैं. So yeah, these come in very handy and आप अपने पर्स में कहीं भी डाल सकते हो, पॉकेट में भी डाल सकते हो, छोटू सा है ये. एंड या फ्रेग्रेंस भी है इनमें. So yeah, that's it for today's video. I hope you enjoyed watching this video. If so, then please give this video a big thumbs up, share it with your friends. Do not forget to subscribe to my channel. Also, please support my channel because I'm uploading every Tuesday, every Friday, 6 PM. Do let me know in the comments down below what kind of videos you want me to make. And yeah, I'll see you in my next videos. Till then, take care. Bye.